Hello students, a very very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on literary groups and movements, and today is the second part of the video. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Prishti Mukherjee. I have qualified NKUGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 3 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Good evening Prashant, welcome. Yes, I am fine. And these are the timings of your classes. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, तो चलो start करते हैं. कल हम बात किए थे important literary movements का, and as I have already told you that today we will talk about some important literary groups as well as some other movements. तो literature में different kinds of journals and different movements को लेके बहुत सारे राइटर्स का ग्रुप बना था, तो आज हम उसी ग्रुप्स की बात करें. तो पहला जो जिस मूवमेंट की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज डार्क रोमांटिसिज्म. डार्क रोमांटिसिज्म, सो रोमांटिसिज्म आप सबको पता है, रोमांटिसिज्म फर्स्ट स्टार्टेड इन ब्रिटेन इन 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेंस. तो डार्क रोमांटिसिज्म ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था एज अ रिएक्शन टू ट्रांसेंडेंटलिज्म. इन यस्टरडेज क्लास वी हैव डिस्कस ट्रांसेंडेंटलिज्म, तो उसके रिएक्शन में ये स्टार्ट हुआ. तो डार्क रोमांटिसिज्म मतलब दे टॉक्ड अबाउट द थीम ऑफ ग्रीफ, इनसैनिटी, क्रिमिनलिटी एंड द ग्रोटेस्क. तो जैसे कोलरिज ने स्टार्ट किया था इन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर द थीम ऑफ सुपरनेचुरल. So it is a kind of grotesque, the theme of insanity is there, theme of mystery is there, suspense is there, ghostly themes are there, है ना. तो वो romanticism, romanticism तो है but associated with mysticism also. So in dark romantics they focused on the darker aspects of nature. ठीक है, nature is not always beautiful but nature के अंदर भी जितने सारे डार्क थीम्स है जिसके ऊपर हम जनरली बात नहीं करते, उसके आधार पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. गुड इवनिंग एलिना, गुड इवनिंग मनु, वेलकम. तो मेलांकोलिया, इंसैनिटी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, गिल्ट, दीज आर द मेन थीम्स. तो इसमें ये तीन नाम बहुत पॉपुलरली आते हैं, एडगर एलन पो, नथानिल हॉथोर्न एंड हरमन मेलविल. तो जैसे स्कारलेट लेटर, टेल टेल हार्ट, हम ऑलरेडी एडगर एलन पो के बारे में बात की है, नथानिल हॉथोर्न भी हमने पढ़ लिया, मेलविल भी हमने पढ़ लिया, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज वर्क्स. तो ये है आपका डार्क रोमांटिसिज्म. ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं ब्लैक एस्थेटिक. ब्लैक एस्थेटिक, ठीक है, ब्लैक एस्थेटिक इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट. Again started for African American writers, ठीक है. जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे हार्लेम रेनेसा. हार्लेम रेनेसा को भी हम बोले थे ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट. सो वही हार्लेम रेनेसा का एक पार्ट है ब्लैक एस्थेटिक. तो इट टॉक्स अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर वर्नैक्युलर लैंग्वेज. तो हार्लेम रेनेसा में क्या था, इन यस्टरडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड that Harlem Renaissance was a particular movement of the African Americans which was centered around the area of Harlem jahan pe African American population bahut zyada tha, and they mainly focused on voicing their own
है, वो अपना विचार अपना बात वो खुद बोलेगा, ऐसा वहां पे बोला गया था. एंड दे ऑल्सो एस्टेब्लिश देयर ओन पब्लिशिंग हाउसेस, देयर ओन इंडस्ट्रीज टू टेल अबाउट देमसेल्व्स. ठीक है, तो जैसे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने बोला था कि सबाल्टर्न शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स, जब तक उसके बारे में दूसरे लोग बात करेंगे तब तक वो फ्लरिश नहीं कर पाए. इन द ऐसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक. सो हियर ऑल्सो इन ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट और इन ब्लैक एस्थेटिक, this is the main purpose that black people should talk about themselves in their own language. So black aesthetic mein main focus kya tha ki that community that matlab wo aur bhi zyada backward hai, hai na, to us black people ke sath uske sath likhna hai, uske bare mein likhna hai. theek hai, so as a रिजल्ट और एज अ स्टार्टिंग ऑफ दैट मूवमेंट, अमीरे बरा का, हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे, अमीरे बरा का फाउंडेड ब्लैक आर्ट्स रेपर्टोरी थिएटर इन 1965. एंड दिस टर्म ब्लैक एस्थेटिक, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ बुक एडिटेड बाय एडिसन गिल. ठीक है, तो सेम चीज है हार्लिम रेनेसा के साथ, बट दिस मूवमेंट इज मेनली फोकस्ड ऑन लैंग्वेज. चलो नेक्स्ट मूवमेंट पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं, ब्लैक माउंटेन पोइट्स. देखो बहुत सारे मतलब सिमिलर नेम्स है बट ईच ग्रुप इज डिफरेंट. ठीक है, जैसे हार्लिम रेनेसा एंड ब्लैक एस्थेटिक, दीज टू आर ऑफन कंफ्यूजिंग, इसलिए हम यही सारी मूवमेंट्स को, ये सारे ग्रुप्स को आज लाए ताकि एकदम एग्जाम से पहले आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाए. मान लो अगर कल कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, तो इट विल बी वेल एंड गुड कि आप पहले से इसको समझ रहे हो. ठीक है, एंड ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं मूवमेंट के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, कि एसर्शन रीजन दे देगा या फिर कोई एक स्टेटमेंट देकर बताएगा कि इज इट रॉन्ग और इज इट राइट, है ना. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. चलो वापस आते हैं टॉपिक पे, ब्लैक माउंटेन पोइट्स. अब ये कौन है ब्लैक माउंटेन पोएट्स? ब्लैक माउंटेन इज द नेम ऑफ अ कॉलेज, ठीक है, लोकेटेड इन नॉर्थ कैरोलिना इन अमेरिका. अब जैसे हम यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में पढ़े थे कि यूनिवर्सिटी विट्स मीन्स द ड्रामेटिस्ट और द स्टूडेंट्स ऑल आर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट थॉमस किड. तो यहाँ पर भी सेम है कि कॉलेज के नाम से ग्रुप का नाम दिया गया ब्लैक माउंटेन पोएट्स. तो ब्लैक माउंटेन, यस, तो ब्लैक माउंटेन पोइट्स. अब ब्लैक माउंटेन क्यों नाम है? तो इसका जो वर्क है ब्लैक माउंटेन रिव्यू वाज पब्लिश्ड बाय क्रीली एंड ऑल्सन मैगजीन था एक ओरिजिन नाम का. दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टिविस्ट पोइट्स. ये दूसरा नाम भी जरूर याद रखना, प्रोजेक्टिविस्ट पोइट्स. ठीक है, 1933-1956 के आसपास ये मूवमेंट है. तो बेसिकली इन लोगों का क्या मतलब पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि पोएट्री को एक नए तरीके से लिखना, विच मीन्स दैट द पोएट्री रिटन बाय द ब्लैक राइटर्स इट मस्ट बी ओपन एंडेड. इट मस्ट बी ओपन एंडेड विच मीन्स ओपन फॉर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन अगर हो पाए तभी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. एंड इट विल लीड टू अ वैरायटीज ऑफ परसेप्शंस. ठीक है, तो इसमें क्रिएटिव आर्ट्स पढ़ाया जाता था उस कॉलेज में. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द राइटर्स दे फोकस्ड ऑन क्रिएटिव फिलोसॉफी, मतलब क्रिएटिविटी इन पोएट्री पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, तो ये इन लोगों का मेन फोकस था, क्रिएटिविटी इन पोएट्री इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. जैसे रॉबर्ट क्रीली, चार्ल्स ऑल्सन, ज्यादा पोएट नहीं है, एक दो पोएट है, क्रीली और ऑल्सन आर मेनली फेमस. तो ये सारे के सारे आते हैं इस ग्रुप. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, ब्लूम्सबेरी ग्रुप. दिस ग्रुप यू आर ऑल अवेयर ऑफ, इट इज अ वेरी पॉपुलर ग्रुप ऑफ मॉडर्न एज. ठीक है, ब्लूम्सबेरी डिस्ट्रिक्ट से इसका नाम आया है, ब्लूम्सबेरी ग्रुप. दे स्टार्टेड टू मीट अराउंड 1905 टू डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू आर्ट एंड फिलोसॉफी.
वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू आर्ट एंड फिलोसॉफी एंड फेमिनिज्म का एक मतलब एडवोकेशन यहाँ पे हुआ था, एज वेल एज एंटी वॉर आइडियाज. ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रॉइड दे रिजेक्टेड ओल्ड विक्टोरियन आइडियल्स एंड प्रेफर्ड टू लीव प्रोग्रेसिव. तो जो मॉडर्न एज का मतलब मेन पॉइंट था, लिबरलिज्म, ब्रेकिंग द ट्रेडिशन, तो दीज आर बेसिकली द मेन फोकस ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप्स, ब्रेकिंग द ट्रेडिशन इन डिफरेंट टर्म्स, आर्ट, फिलोसॉफी. ठीक है, जैसे कल हम कई सारे आर्ट मूवमेंट के बारे में पढ़े थे मॉडर्न एज का, इमेजिज्म, इंप्रेशनिज्म, डादाइज्म, सुरियलिज्म. सो ईच एंड एवरी मूवमेंट इज ब्रेकिंग द कॉमन आइडिया ऑफ पेंटिंग. ठीक है, जो हम अब तक पढ़ के आए हैं, जो हम अब तक देखने के लिए मतलब हम हैबिचुएटेड हैं, उससे बाहर ले जाके डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग क्रिएट करना, ये मॉडर्न एज में हुआ था. सिमिलरली इन राइटिंग्स ऑल्सो द राइटर्स हैव स्टार्टेड द सेम थिंग. एंड यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी एक बार ये पूछा गया था नेट में कि होगार्थ प्रेस इज एसोसिएटेड विथ विच लिटररी मूवमेंट, सॉरी विच लिटररी ग्रुप. एसोसिएटेड विथ ब्लूम्सबेरी ग्रुप एंड होगार्थ प्रेस एस्टेब्लिश किया था वर्जीनिया वुल्फ ने, शी वॉज द लीडर. उसके साथ उसके हस्बैंड भी साथ दिए थे, लियोनार्ड वुल्फ. ठीक है, इसी ग्रुप में आते हैं लिटन स्ट्रैची, राइटर ऑफ एमिनेंट विक्टोरियंस, जिस वर्क से हर बार क्वेश्चन बनता है, रॉजर फ्राई, मेनार्ड केन्स, ई एम फॉर्स्टर, वैनिसा बेल, दे आर ऑल पार्ट ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं केल्टिक रिवाइवल. केल्टिक रिवाइवल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन मॉडर्न एज. इट इज नोन एज आयरिश लिटररी रेनेसा. ठीक है, इसका फाउंडर कौन है? डब्ल्यू बी येट्स. ही फाउंडेड आयरिश नेशनल थिएटर. तो इन द मॉडर्न एज दे टॉक्ड अबाउट अ काइंड ऑफ रीबिल्डिंग और रीथिंकिंग ऑफ आयरिश मिथ. ठीक है, क्योंकि उस टाइम में आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, तो कुछ ब्रिटिश राइटर्स ने ये इनिशिएटिव लिया, मतलब जिसके साथ आयरलैंड का बहुत क्लोज कनेक्शन है. दे बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग दिस इंडिपेंडेंस मूवमेंट पीपल मस्ट नो द हेरिटेज ऑफ देयर ओन कंट्री. ठीक है, तो इसी टाइम में अगर हम ऐसे लिटरेचर पब्लिश करें जहां पे आयरिश मतलब आयरलैंड का अपना स्टोरी हो, उसके फोकलोर, उसके कल्चर, उसके मिथ्स, लेजेंड्स, इसको अगर हम लिखे, तो ये और ज्यादा बढ़ावा देगा इंडिपेंडेंस मूवमेंट को. जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे भी देखो, ईच एंड एवरी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, वी आर ग्लोरीफाइंग इंडिया, आवर ट्रेडिशन, आवर कल्चर. है ना, उसमें जितने भी मतलब स्कूल्स में या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जहां पे ट्रेन किए जाते थे रेवोल्यूशनरीज को, तो उसमें यही सिखाया जाता था कि इंडिया इज रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज, इंडिया में ये है वो है, तो इसको प्रोटेक्ट करना हम लोगों का काम है. तो इट एनकरेजेस नेशनलिज्म. है ना, तो आयरलैंड के बाद भी सेम चीज है कि अपने देश की गौरव गाथा ये लोग मतलब बोलने के लिए बोल रहे थे, द पीपल, सॉरी द राइटर्स. तो अब बात यह है कि ये लोग अचानक आयरलैंड के ऊपर क्यों आ गया? आयरलैंड के ऊपर इसलिए आ गया कि दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ फोकलोर एंड मिथ्स. ठीक है, जो कि मॉडर्न एज में ऑलमोस्ट ना के बराबर. मॉडर्न एज में तो ये सब कुछ था ही नहीं. मॉडर्न एज इज टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस. तो इन सब से बाहर ले जाके एक काइंड ऑफ एस्केपिस्ट भी कह सकते हो, बट लिटरली वो लोग एस्केपिस्ट नहीं थे, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर अ ग्रेटर कॉज. तो दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द केल्टिक ट्रेडिशन, बिकॉज अगर हम एंग्लोसैक्सन लिटरेचर से पढ़े, तो हमें ये देखने को मिलता है कि मिथोलॉजी एंड फोकलोर, दीज टू थिंग्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, तो उससे भी हम मतलब मिथोलॉजीज एंड लेजेंडरी कैरेक्टर्स हम इतने ज्यादा पढ़े थे चौसर के टाइम में बोलो या एंग्लोसैक्सन एज में बोलो, बट वो ग्रेजुअली कम होने लगा. अब मॉडर्न एज में आकर लोगों को ये लग रहा है कि वी आर फॉरगेटिंग आवर ट्रेडिशन, सो वी शुड टेक केयर ऑफ अवर ट्रेडिशन. जो टी एस एलियट ने भी बोला था, इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, कि इंडिविजुअल टैलेंट तो ठीक है, बट ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना भी इन लोगों का काम.
ठीक है, तो एम वॉज टू क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव बॉडी ऑफ लिटरेचर बाय रिवाइविंग आयरिश फोकलोर। तो केल्टिक ट्वाइलाइट ये डब्ल्यू बी एट्स का एक बुक था, ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं, ऑल द आयरिश ड्रामेटिस्ट, येट्स, लेडी ग्रेगरी, जेम्स सीन, सीन ओकेसी, विलियम बॉयल, उसके साथ नॉवेलिस्ट में आते हैं जेम्स जॉयस, मतलब जिसके साथ आयरलैंड का कोई ना कोई कनेक्शन, ठीक है, आयरिश बॉर्न या फिर आयरलैंड से इंस्पायर्ड, वही लोग मिलके ये मूवमेंट क्रिएट किए, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं कैवेलियर पोएट्स, यू ऑल नो इट इज अ वेरी पॉपुलर ग्रुप, ठीक है, जो 17th सेंचुरी में पॉपुलराइज हुआ था, एंड द नेम कैवेलियर इज टेकन फ्रॉम चार्ल्स द फर्स्ट लैटिन नेम दैट इज कैरोलस, ठीक है, तो कैरोलस से कैवेलियर लिया गया था। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रॉयलिस्ट, एंड ये जरूर याद रखना, एक्सेप्ट रॉबर्ट हेरिक ऑल वेर कोर्टियर्स, ऑल द कैवेलियर पोएट्स दे आर कोर्टियर्स, ठीक है, बट रॉबर्ट हेरिक कोर्टियर नहीं थे, जैसे यूनिवर्सिटी विट्स में थॉमस किड यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं थे, वैसे ये भी एक एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखना। तो दे टॉक्ड अबाउट रोमांटिक एंड सेंसुअल लव, इसमें कार्पे डीएम थीम आते हैं, आप सब ने पढ़ा है मेटाफिजिकल पोएट्री में, है ना, तो एक्चुअली ये कैवेलियर पोएट्स का थीम था, कार्पे डीएम मीन्स सीज द डे और एंजॉयिंग दिस मोमेंट, ठीक है, सीज द डे, दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग, सीज द डे मीन्स कि वी आर ऑल सॉरी आवर लाइफ इज ट्रांसिटरी इन नेचर, तो लीव द मोमेंट, आप आज जिंदा है कल नहीं भी रह सकते हैं, एक घंटा बाद भी आप मर सकते हैं, तो यही एक घंटा आप दिल खोल के जियो, है ना, जो हम बताते भी है कि जब जी रहे तो दिल खोल के जियो, क्योंकि आज है कल नहीं भी हो सकता, है ना, तो दैट अनसर्टेनिटी, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, रादर एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, डोंट वेस्ट एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो ये होता है आपका कार्पे डियम। एंड इसमें और एक चीज आ जाते हैं यूथ, कि यूथ इज ऑल द मोर ट्रांजिटरी, ठीक है, ह्यूमन लाइफ तो ट्रांजिटरी है ही, यूथ और कम टाइम रहते हैं, तो एज लॉन्ग एज यू आर यंग ड्रिंक लाइफ टू द लीव, अदरवाइज यू विल बी डिफीटेड और यू विल रिपेंट, ठीक है, तो इसमें कौन आते हैं, लवलेस, थॉमस कैरियू, जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हेरिक, ठीक है, एंड कैवेलियर पोएट्री एक्चुअली केम एज अ रिएक्शन टू मेटाफिजिकल पोएट्री, बिकॉज मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट वॉज फिल्ड विथ डिफरेंट काइंड ऑफ एल्यूशंस, बोम्बास्टिंग लैंग्वेज, तो उसमें आइडिया तो चलो था ही रिलेटेड टू लव एंड सेंसुअलिटी, बट वो समझना बहुत डिफिकल्ट था, उससे कंपैरेटिवली सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे थे ये सारे के सारे पोएट्स, एंड बेसिकली दे आर आल्सो नोन एज सन्स ऑफ बेन, एक्चुअली इसमें 11 मेंबर्स थे, ठीक है, 11 मेंबर्स थे, कुछ थे ड्रामाटिस्ट, कुछ थे पोएट्स, ठीक है, ड्रामाटिस्ट पोएट्स, तो ये सन्स ऑफ बेन का लिस्ट एक बार आप विकिपीडिया में चेक कर लेना, उसमें सारे राइटर्स का नाम दिया है, उतना तो याद नहीं रख पाओगे, लेकिन एक बार देख लेना कि उनमें से कौन कौन ड्रामाटिस्ट है, कौन कौन पोएट है, अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन किया तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द ड्रामाटिस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ सन्स ऑफ बेन ग्रुप, बिकॉज ये नाम थोड़ा अनकॉमन है, ठीक है, सन्स ऑफ बेन हम जनरली नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कैवेलियर पोएट्स, तो कैवेलियर पोएट्स नहीं पूछेगा आपको, सन्स ऑफ बेन नाम से अगर पूछ लिया तो इसको याद रखना कि ये सब बेन जॉनसन के फॉलोअर्स थे, ठीक है, बेन जॉनसन के फॉलोअर्स, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कुछ ड्रामाटिस्ट भी थे, तो वो लिस्ट एक बार आप जरूर एक बार बस गो थ्रू कर ले, ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं चिकागो पोएट्स। चिकागो पोएट्स एब्सोल्युटली जो चिकागो में रहने वाले हैं, ठीक है, इट फ्लरिश ड्यूरिंग चिकागो लिटररी रेनेसां, अमेरिकन है ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, तो इसमें क्या है कि चिकागो लिटररी रेनेसां एन अमेरिकन मूवमेंट, इट टॉक्स अबाउट द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, ठीक है, इसमें मेन थीम वही है जो प्री रोमांटिक पोएट्स में हम देखे थे इन ब्रिटेन, जैसे थॉमस सॉरी ऑलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे, ऑलिवर गोल्डस्मिथ इज नॉट प्री रोमांटिक पोएट, बट इन इन दैट पोएम द डिजर्टेड विलेज रिटन बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ, ही आल्सो एक्सप्रेस्ड द सेम थिंग दैट ड्यू टू अर्बनाइजेशन द रूरल कल्चर इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड ही लैमेंटेड ओवर, जैसे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में
लैमेंट कर रहे थॉमस ग्रे फॉर द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन विलेजेस, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही थीम है कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन रूरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज आर ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, सो इट्स अ लॉस टू द वर्ल्ड, ऐसे करके वो बता रहे। कौन कौन राइटर्स है, कार्ल सैंडबर्ग, हैरियट मॉनरो, बैचल लिंडसे एंड दीज आर द मैगजीन्स। मैगजीन्स चल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑथर्स थोड़ा बहुत याद रखना, जैसे हैरियट मॉनरो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सैंडबर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। ठीक है, ये सब माइनर ग्रुप्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप है, एग्जिस्ट करते, है ना। कॉमेडिया डेलार्ते, टर्म सुन के लग रहा है कि इटली के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो एज अ मूवमेंट इट डेवलप्ड इन इटली मिड 16th सेंचुरी। तो कॉमेडिया डेलार्ते इट टॉक्स अबाउट टिपिकल आर्टिस्टिक कॉमेडी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फीमेल्स परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस काइंड ऑफ कॉमेडी। हम जब शेक्सपियर डिस्कस कर रहे थे इन आवर लव यू शेक्सपियर सीरीज, हम ये बात आपको बताए थे, या फिर जब हम एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ रहे थे तभी हम बताए थे कि एट दैट टाइम फीमेल्स वर नॉट गिवन परमिशन टू एक्ट, ठीक है। उतना भी सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं था कि फीमेल्स एक्टिंग करे। अब फीमेल्स रोल कौन प्ले करेगा, तो वो मेल कैरेक्टर्स ही करते थे, जिसको हम क्रॉस ड्रेसिंग बोलते हैं। शेक्सपियर के प्लेज में ये चीज बहुत है, है ना, प्ले के अंदर भी बाहर भी। तो क्रॉस ड्रेसिंग बहुत ज्यादा होता था कि द कैरेक्टर हु इज प्लेइंग अ मेल रोल ही विल प्ले द रोल ऑफ अ फीमेल, बट फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू एक्ट। लेकिन कॉमेडिया डेलार्ते ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें इटली में पहली बार फीमेल को मंच पे देखा, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, स्टॉक कैरेक्टर्स इसमें रहता है, कुछ स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स जनरली परफॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है, ट्रैवलर्स, जैसे हम मतलब जैसे स्ट्रीट प्ले होता है दैट काइंड ऑफ पीपल, बट ऐसे स्ट्रीट में नहीं होता, लेकिन वही मतलब छोटे मोटे ग्रुप ये परफॉर्म करते थे। तो टारगेट ऑडियंस है अपर क्लास पीपल, कलरफुल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें होता है, रिटन फॉर प्योर एंटरटेनमेंट पर्पस, देयर इज नो काइंड ऑफ सैटराइजेशन और एनीथिंग, प्योरली आर्टिस्टिक कॉमेडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं, कॉन्फेशनल ग्रुप। सो दिस इज अ ग्रुप विच इज वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ यू। सो कन्फेशनल पोएट्स, द टर्म हैज कम फ्रॉम द वर्ड कन्फेशन, एंड यू ऑल नो दैट इन क्रिश्चियनिटी इन चर्च देयर इज अ पर्टिकुलर रूम कॉल्ड कन्फेशन रूम, एंड ये रूम इसलिए रखा जाते हैं कि कोई मान लो अगर बहुत ज्यादा पाप किए हैं तो वो आकर गॉड के सामने अपना कन्फेशन देगा। तो वो रूम ऐसे ही बनाते हैं कि यू कैन सी ओनली गॉड, एक मतलब एक थिन कर्टन रहता है, उसके थ्रू आप गॉड को देख सकते हो, उस रूम में और कोई नहीं रहेगा, यू हैव टू से योर ओन गिल्ट टू गॉड, है ना। तो वहां से ये चीज आई है, कॉन्फेशनल पोएट्री। अब ये टर्म जरूर याद रखना, किसने कॉइन किया था, एमएल रोजेंथल इन अ रिव्यू ऑफ रॉबर्ट लोवेल्स लाइफ स्टडीज, ठीक है। ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फेशनल पोएट्री हम जनरली बता देते हैं सिल्विया प्लैथ या कमला दास, लेकिन वो टर्म कॉइन नहीं किया था, वो तो पोएट्स है, लेकिन टर्म कॉइन किया था किसी दूसरे पर्सन ने, ये नाम हम अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, कॉन्फेशन हम किस चीज का करते हैं, whenever you have done anything wrong, then only the matter of confession comes, ठीक है। अगर आप कहीं गलती करते हो तभी तो आप कॉन्फेस करोगे। तो कन्फेशनल पोएट्री में ये सारी गलतियां ही है, ठीक है। The guilt of the author, psychological problem, trauma, depression, frustration, जो वो दुनिया के सामने बता नहीं सकते, suicidal tendencies, death, sexual harassment, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, वही चीज confessional poetry में आते हैं। So full of dark emotions, ठीक है, full of dark emotions, जिसमें सबसे पहला नाम आते हैं हमारा Sylvia Plath, a brilliant confessional poet, and Sexton, Allen Ginsberg, जो बीट जनरेशन के साथ भी एसोसिएटेड है, W.D. Snodgrass, and absolutely Robert Lowell, उसमें हमारे इंडिया में आते हैं कमला दास, ठीक है, ये नेम्स तो आप सब जानते हो, ये बहुत पॉपुलर है। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं मूवमेंट पोएट्स। बिल्कुल एलिना, सबके लिए मेरा गुड विश है, आप बहुत अच्छे से एग्जाम देके आओ,
कल मैं क्लास नहीं लूंगी, कल आप एग्जाम देके आओ अच्छे से, उसके बाद जब आपको आंसर मतलब ये मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तब उसको भेजना, तब उसके ऊपर हम एक एनालिसिस करेंगे, ठीक है? अभी तो मतलब कल ही तो हम क्वेश्चन पेपर हमको नहीं मिलेगा, बट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, ठीक है? आप जरूर बताना एग्जाम कैसा हुआ, कैसा क्वेश्चन रहा, डेफिनेटली, एंड किस तरीके से आपका प्रिपरेशन आपको हेल्प किया, ये आप जरूर शेयर करना, टेलीग्राम में हो या फिर यूट्यूब में हो, कमेंट में हो, ठीक है? जरूर शेयर करना। एंड जब आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, तब उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, मतलब एक प्रोबेबल आंसर की बना के हम देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक अंदाजा लगा सको कि कितना मार्क्स आपका होगा, ठीक है? बहुत अच्छे से एग्जाम दो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड डोंट पैनिक, जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर दो, बिलीव इन ऑलमाइटी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है? चल पढ़ लेते हैं थोड़ा। मूवमेंट पोएट्स, मूवमेंट पोएट्स ये भी मॉडर्न, लेट मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर का एक ग्रुप। टर्म किसने कॉइन किया था? जेडी स्कॉट। तो मूवमेंट पोएट्री, इसका नाम बहुत अजीब है कि मूवमेंट इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो दे टॉक्ट अबाउट नॉस्टैल्जिया फॉर अर्लियर ब्रिटेन। अर्लियर ब्रिटेन मीन्स बिफोर मॉडर्न एज, ब्रिटेन जैसा था, ठीक है? तो उसके ऊपर ये है, पास्टोरल इमेजरी है। अच्छा, बिलीव दैट गुड पोएट्री शुड बी सिंपल एंड ट्रेडिशनल, ठीक है? तो मूवमेंट पोएट्री आर बेसिकली वेरी सिंपल, अपोज टू द सिंबॉलिक एंड इमेजिस्ट पोएट्री ऑफ येट्स एंड डिलन थॉमस और टी एस एलियट, ठीक है? तो मॉडर्न एज में हम जो डिफिकल्ट पोएम्स पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग, एंड ये एंथोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू लाइन्स और पोएट्स ऑफ द 1950s, मूवमेंट पोएट्स आर ऑल्सो नोन एज पोएट्स ऑफ द 50s, जैसे हम ऑडेन ग्रुप को बोलते हैं पोएट्स ऑफ द 30s, तो वैसे इनको भी बोला जाता है पोएट्स ऑफ द 50s, ठीक है? दे रिजेक्टेड मॉडर्निस्ट पोएट्री ऑफ एलियट। तो इसमें कुछ नाम तो आपको पता ही है, जैसे फिलिप लार्किन, टेड ह्यू, इन दोनों का नाम पता है, और भी कई नाम जान लो, एलिजाबेथ जेनिंग्स, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, किंग्सली एमिस, वो एक नॉवेलिस्ट थे लेकिन वो भी इस ग्रुप में एडेड थे, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं एंग्री यंग मैन, अनदर वेरी पॉपुलर ग्रुप ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर ड्रामा, ठीक है? एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन इज अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश प्ले राइट्स एंड नॉवेलिस्ट। इसमें पोएट नहीं था, ध्यान रखना, ब्रिटिश प्ले राइट्स एंड नॉवेलिस्ट, एंड दे आर मेनली फ्रॉम द अपर, सॉरी, वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास पीपल। अपर क्लास का कोई चीज इसमें नहीं था। तो बेसिकली इन लोगों का क्या था, वाई आर दे एंग्री? बिकॉज दे आर रिबेलिंग अगेंस्ट द पोस्ट वॉर ब्रिटिश सोसाइटी। क्यों भाई, पोस्ट वॉर ब्रिटिश सोसाइटी में ऐसा क्या हो गया कि ये लोग इतना गुस्से में? तो दे आर टॉकिंग अबाउट द बैड, सॉरी, दे वर टॉकिंग अबाउट द बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, द फॉपरीज एंड वैनिटीज एंड हिपोक्रेसी ऑफ अपर क्लास पीपल, द इंक्रीजिंग ऑफ करप्शन, सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है? एंड मेनली जॉबलेसनेस। हाँ, ये यहाँ पे हमने लिखा है जॉबलेसनेस, डिससेटिस्फेक्शन, डिसिल्यूशनमेंट, ठीक है? दे बिलीव दैट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर वॉर, एवरीथिंग विल बी फाइन, जितने भी इकोनॉमिक लॉस हुआ वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में देखा जा रहा है कि जो जो प्रॉमिस किया गया था बिफोर वॉर, नन ऑफ द प्रॉमिस हैड बीन मेट, एंड सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लगा। तो यहां से गुस्सा था, ठीक है, एंग्री यंग मैन। तो वो एंग्री इसलिए थे, एंग्री टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द सिस्टम, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, towards the situation of society where working class people and middle class people are always deprived, disillusioned, ठीक है? इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में। मेन इसका प्रोपोनेंट कौन है, एक नाम आप सबको पता है, जॉन ऑसबोर्न, है ना? जॉन ऑसबोर्न बॉन्ड थे, एडवर्ड बॉन्ड, ठीक है, आर्नोल्ड वेस्कर, एलन सिलिटो, डेविड स्टोरी, तो ये तो कुछ नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक बैक इन एंगर पॉपुलराइज द टर्म, आई थिंक यू हैव ऑल रेड द प्ले। तो दिस टर्म, हाँ, ये टर्म कहाँ से आया, लुक बैक इन एंगर, ध्यान रखना ये पॉपुलराइज किया था, बट एक्चुअली द टर्म वॉज ओरिजिनेटेड इन एन ऑटोबायोग्राफी बाई लेस्ली पॉल, एंग्री यंग मैन।
ठीक है, ये मेनली सोर्स है। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं साधारण एग्रेरियंस। साधारण एग्रेरियंस इट इज अ पार्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ 12 अमेरिकन राइटर्स। ये न्यू क्रिटिसिज्म के साथ एसोसिएटेड है। न्यू क्रिटिसिज्म हमने ऑलरेडी किया क्लास में इन आवर सीरीज ऑन थ्योरी, थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म के पार्ट है ये ग्रुप साधारण। ये बहुत ही लेसर नोन ग्रुप्स है लेकिन आपका आ सकता है। इसका एक और नाम से एक बार पूछा गया था लगता है, फ्यूजिटिव एग्रेरियंस। ये टर्म एक बार आया था एग्जाम, फ्यूजिटिव एग्रेरियंस। वैंडरबिल्ट एग्रेरियंस इसको कहते हैं, केम फ्रॉम साधर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसा मतलब कुछ अलग कुछ नहीं था, बट ऑल द न्यू क्रिटिक्स दे हैव मेड अ सेपरेट ग्रुप। ठीक है, जो एक साथ राइटर भी थे, मतलब राइटर कम क्रिटिक, जैसे जितने भी क्रिटिक्स है उसी के नाम आते हैं, एलन टेट, रॉबर्ट पेन, वॉरेन, स्टीफन क्रेन, जॉन क्रो रैंसम। ठीक है, दे ऑल फॉर्म दिस पर्टिकुलर ग्रुप साधर्न एग्रेरियंस। अच्छा नेक्स्ट आते हैं लॉस्ट जेनरेशन। लॉस्ट जेनरेशन अगेन अ पॉपुलर ग्रुप इन अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, टर्म कॉइन्ड बाय गर्ट्रूड स्टेन। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। A group of writers who were disillusioned by the First World War, moving either to London or Paris in search of a richer and freer life, better livelihood के लिए ये लोग migrate कर रहे हैं। ठीक है, ये term किसने popularize किया? Lost generation, the epigraph to The Sun Also Rises by Hemingway. They wrote about the ill effects of Jazz Age, Age of Prosperity, Jazz Age. तो उसका जो ill effects है, है ना, इसीलिए लॉस्ट जेनरेशन। दे आर लॉस्ट फ्रॉम देयर रूट्स, दे आर लॉस्ट फ्रॉम देयर ट्रेडिशन, दे आर लॉस्ट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जिसमें हेमिंग्वे आते हैं, गर्ट्रूड स्टाइन, जॉन डॉस पेसोस, एप स्कॉट फिट्ज़गेराल्ड, ग्रेट गैट्सबी लिखा था जिसने। सो दीज आर द मेजर राइटर्स। चलो नेक्स्ट आते हैं वॉर पोएट्स। ये तो बताना ही नहीं है, आप सबने पढ़ा है इसको। ठीक है, वॉर पोएट्स दे आर मेनली डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप इज सपोर्टिंग द वॉर एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर मदरलैंड, एंड अनदर ग्रुप इज टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप में थे रूपर्ट ग्रुप, जो वॉर का एक रोमांटिक व्यू दे रहे थे, एंड सेकेंड ग्रुप में थे विल्फ्रेड ओवेन, सिगफ्रीड सेसून, आइजक रोजनबर्ग, रॉबर्ट ग्रेव्स, ठीक है, एडवर्ड थॉमस। दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द डार्कर साइड्स ऑफ वॉर, द डिस्ट्रक्टिव फेज ऑफ वॉर, है ना। इन लोगों को ट्रेंच पोएट्स भी कहा जाता है, ट्रेंच पोएट्स विल्फ्रेड ओवेन, सेसून एंड रोजनबर्ग को कहा जाता है। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक है फर्स्ट ग्रुप, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं जॉर्जियन पोएट्स। ये भी बहुत पॉपुलर ग्रुप है, जॉर्जियन पोएट्स। जॉर्ज द फिफ्थ के टाइम में ये लोग थे, इसीलिए वहां से ये टर्म आया था। इट इज अ ग्रुप ऑफ 40 पोएट्स। ठीक है, दे पब्लिश्ड देयर वर्क्स इन 4 एंथोलॉजीज एडिटेड बाय एडवर्ड मार्श। द नेम ऑफ द एडिटर इज इंपॉर्टेंट। तो जॉर्जियन पोएट्स मेनली टॉक्ड अबाउट रोमांटिसिज्म, पेट्रियोटिज्म एंड सेंटिमेंटालिटी, दीज आर द की थिंग्स। कॉलोक्वियल स्टाइल में लिखा गया था, जिसमें आते हैं वॉल्टर डिलामियर, जॉन ड्रिंकवाटर, ब्रूक लॉरेंस, ये सारे के सारे पोएट्स आते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, अ वेरी पॉपुलर आर्ट मूवमेंट ड्यूरिंग विक्टोरियन एज। ठीक है, प्री रेफलाइट मतलब बिफोर रफाइल, बिफोर रफाइल। तो बेसिकली इट इज एन आर्ट मूवमेंट, रफाइल इज द नेम ऑफ अ फेमस पेंटर। तो बिफोर रफाइल मीन्स ये लोग जिस आर्ट मूवमेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे, दैट इज मीडियवल एंड अर्ली रेनेसा आर्ट, जो रफाइल से पहले का। ठीक है, इनिशिएटेड बाय डीजी रोसेटी, पीरियोडिकल था द जार्म, ये भी बहुत बार आया है एग्जाम में। 1848 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था, रिवोल्टेड अगेंस्ट द टेनिशनियन ट्रेडिशन, ओवर कॉन्सर्न ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, इसको क्रिटिसाइज किया गया। कुछ रोमांटिक चीजें इसमें था, सिंप्लिसिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरलिटी, सॉरी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरलनेस, है ना। आर्ट फॉर आर्ट सेक नोशन को ये पॉपुलराइज किया था। दो आर्ट फॉर आर्ट सेक इज अ मूवमेंट ऑफ मॉडर्न एज, जो ऑस्कर वाइल्ड के टाइम पे आते हैं, बट यहाँ पे वो नोशन दिया गया था कि चलो आर्ट को बस एंजॉय करो,
इफ आर्ट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स देन क्या फायदा. मतलब लिटरेचर तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि टू रिक्रिएट आवर सेल्फ्स फॉर अ काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट. अगर उसमें भी आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बताते रहो तो कैसे चले. तो ये लोग बोल रहे थे कि भाई आर्ट को आर्ट की तरह देखो, आर्ट को एंजॉय करो, इसमें और कुछ ज्यादा चीज नहीं है, इसको बस नेचुरली सिंपली इसको बस एंजॉय करो, इसके फ्लो पे आ जाओ. तो मेटेरियलिज्म के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था, ठीक है. हाँ, ये तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्री रेफलाइट पोएट्स दे वर क्रिटिसाइज्ड बाय रॉबर्ट बुकानन एज फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्स, एज फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्स. एंड डीजी रोसेटी ने उसका एक जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था इन द पैम्फलेट स्टिल द स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म. चार्ल्स डिकेंस ऑल्सो कंसिडर्ड देम वल्गर एंड अगली, बट जॉन रस्किन ने इन लोगों को सपोर्ट किया था. तो कौन थे इसमें, जॉन मिलेस, दो रोसेटीज, डीजी एंड सीजी, विलियम मॉरिस, एल्गरन स्विनबर्न, विलियम होलमैन हंट, थॉमस वुलनर, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ प्री रेफलाइट ब्रदरहुड. अच्छा, तो और भी कई सारे ग्रुप्स हैं, चलो हम कवर कर लेते हैं जल्दी, आज इसको करेंगे ही बिकॉज कल आपका एग्जाम है, ठीक है. तो बस एक ब्रीफ रिवीजन. अच्छा, तो नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्डन ग्रुप. हम अभी जो बता रहे थे पोएट्स ऑफ द थर्टीज, ठीक है, पोएट्स ऑफ द थर्टीज. तो ऑर्डन ग्रुप, ऑर्डन ग्रुप, ऑर्डन was the main proponent, तो ऑर्डन के नाम से जाना जाता है. एंड इसको एक और सैटराइज किया था मैक्स पोंडी बाय रॉय कैंपबेल. ये भी नेट का प्रीवियस बहुत पहले का ये क्वेश्चन है कि मैक्स पोंडी टर्म किसने यूज किया था. मैक फॉर लुई मैकनीस, स्पॉ फॉर स्पेंडर, एंड ऑनडे सॉरी ऑन फॉर ऑर्डन, एंड डे फॉर सिसिल डे ल्यूस. तो रॉय कैंपबेल सैटराइज्ड देम. A group of British and Irish writers, इसको pylon poets भी कहा जाता है. ये भी एक UGC net का question था कि pylon poets में कौन कौन से poets है या नहीं है, ऐसा कुछ पूछा था. तो pylon poets, ये नाम हमको generally नहीं पता होता, हम यही दो चीज याद रखते, ऑर्डन ग्रुप या तो poets of the 30s, है ना. बट इसका एक और नाम है pylon poets. एक्चुअली द नेम इज टेकन फ्रॉम अ पोएम बाय स्टीफन स्पेंडर, द pylon. इन लोगों का भी सेम बात है, एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, दे फॉलोड लेफ्ट विंग फिलोसॉफी. क्रिस्टोफर ईशरवुड को भी कभी इंक्लूड किए जाते हैं, बट वो डायरेक्टली इसके साथ एसोसिएटेड नहीं थे. नेक्स्ट आते हैं एरियोपैगस. ये एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप है. एरियोपैगस ये बनाया था मतलब एलिजाबेथन एज में ये बनाया गया, ठीक है. अ क्लब फॉर्मड इन 16th सेंचुरी, फर्स्ट मेंशन्ड इन हेनरी फॉक्सेस मेमोर ऑफ सर फिलिप सिड. नाउ जनरली हम क्या गलती करते हैं कि विद द टर्म एरियोपेगस वी एसोसिएटेड इट विद एरियोपेजिटिका, ठीक है, वी एसोसिएटेड एरियोपेजिटिका. एंड इसमें अगर ऑप्शन में मिल्टन रहे सो वी डेफिनेटली क्लिक ऑन मिल्टन, ठीक है. बट मिल्टन इज नो वेयर एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथन एज. मिल्टन तो बहुत बाद में, ठीक है. तो एरियोपेगस एरियोपेजिटिका के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको इंक्लूड किए. बहुत माइनर ग्रुप है. तो इसमें कौन कौन आते हैं, राइटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, विलियम सॉरी एडमंड स्पेंसर, एडवर्ड डायर, दे आर पार्ट ऑफ दीज ग्रुप्स. एंड दे बेसिकली स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश प्रोसोडी. जितने भी राइम स्कीम, स्टैंजा पैटर्न, मीटर, ये बेसिकली यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है. फ्रेंच इटालियन क्लासिकल मॉडल्स दे फॉलोड, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. बस आपको चीज पता होना चाहिए कि ये भी एक ग्रुप थे. अच्छा, कैंपस नॉवेल, अ वेरी पॉपुलर लिटररी ग्रुप, टाइप ऑफ लिटरेचर. कैंपस नॉवेल डेविड लॉज के साथ एसोसिएटेड है. इन द आर्टिकल नोबुकोव एंड द कैंपस नॉवेल, ही टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कैंपस
एंड कैंपस का वो एक मीनिंग निकाल रहे हैं कि इट इज अ वर्ड ऑफ लैटिन ओरिजिन विच मीन्स फील्ड. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनसाइड द कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैंपस मतलब ये एकेडमिक नॉवेल है. हाँ, तो इसको एकेडमिक फिक्शन भी हम कहते हैं. तो इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी पॉसिबिलिटीज, गॉसिप्स, करप्शन चलता है उसके बारे में ये सारे के सारे स्टोरी है. यस प्रशांत राइट, दे ऑल्सो कॉल्ड पिंक पोएट्स. एब्सोल्यूटली. मेजर कैरेक्टर्स आर स्टूडेंट्स एंड एकेडमिशियंस. कॉलेज डेज की नॉस्टैल्जिया इसमें है. हाइलाइट्स द फॉलीज ऑफ एकेडमिक लाइफ एंड यूजुअली सटायरिकली टू. बहुत सिंपल चीज है. नेक्स्ट आते हैं सिल्वर फोर्क नॉवेलिस्ट. सिल्वर फोर्क ये कौन सा ग्रुप है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैशनेबल नॉवेल्स. फैशनेबल नॉवेलिस्ट. अब फैशनेबल देखकर ही हम एसोसिएट करते हैं किसके साथ? 18th सेंचुरी क्लब्स एंड कॉफी हाउस कल्चर, है ना. ये हम मिस्टेक करते हैं बट ये नहीं, 18th सेंचुरी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है. इट्स अ मॉडर्न एज मूवमेंट. ठीक है, सिल्वर फोर्क नॉवेलिस्ट. विलियम हैसलिट ने इसको कॉइन किया था इन एन आर्टिकल ऑन द डैंडी स्कूल. तो इट टॉक्स अबाउट द लाइव्स ऑफ अपर क्लास पीपल. ठीक है, थियोडोर हुक, एडवर्ड बालवर लिटन, बेंजामिन डिज़रेली, दे आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप सिल्वर फोर्क नॉवेल. ठीक है, इसलिए सिल्वर फोर्क विच सिंबोलाइजेस एरिस्टोक्रेसी. नेक्स्ट आते हैं हंग्रियलिस्ट पोएट्स. हंग्रियलिस्ट पोएट्स. ठीक है, हंग्रियलिस्ट पोएट्स इट इज एक्चुअली अ मूवमेंट इन बंगाली लैंग्वेज. ठीक है, ये कोलकाता में स्टार्ट हुआ था. मेन एम वाज टू काउंटर कॉलोनियल बंगाली पोएट्री. ये इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट तो क्लोजली है नहीं बट स्टिल आप थोड़ा सा जान के रखो कि ये भी ऐसा भी एक ग्रुप था. हंग्रियलिस्ट पोएट्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ हंग्री जनरेशन. ठीक है, उसका पार्ट ये नहीं है. इट्स अ बंगाली कल्चर मूवमेंट टॉकिंग अबाउट कंटेम्पोररी आइडियाज ऑफ लिटरेचर जिसमें सारे के सारे बंगाली राइटर्स आते हैं, बंगाली पोएट्स आते हैं लाइक शक्ति चट्टोपाध्याय, विनय मजुमदार, शैलेश्वर घोष, देवी रॉय, मलय रॉय चौधरी. दे आर पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. चलो, इसका डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये टाइटल ही आता है. हाँ, ये कैसे आप कह सकते हैं ऑड वन आउट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना. अगर ये ऑप्शन रहे तो यही करेक्ट हो, ऐसे करके पूछी जा सकती. नेक्स्ट किट कैट क्लब. बहुत पॉपुलर क्लब है, 18th सेंचुरी इंग्लिश क्लब, क्लब ऑफ व्हिग लीडर्स. ठीक है, ये कौन सा व्हिग है कौन सा टोरी है इसमें हम लोग का कंफ्यूजन होता है. तो किट कैट के साथ याद रखना व्हिग लीडर्स. ठीक है, टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड्स पॉलिटिकल कंडीशंस. फर्स्ट मेट इन अ टैवर्न ऑफ क्रिस्टोफर कैट एंड एट मटन पाइज नोन एज किट कैट. तो यहाँ से नाम आया है किट कैट क्लब, जिसमें सारे के सारे पीरियोडिकल एसेइस्ट इसके पार्ट थे. स्टील एडिशन उसके साथ हमारा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, वैन ब्रग, कॉन्ग्रीव, रॉबर्ट वालपोल, सॉरी होरेस वालपोल, दे आर ऑल सॉरी रॉबर्ट वालपोल ही होगा, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. नेक्स्ट क्रिबलेरियस क्लब. क्रिबलेरियस क्लब में बेसिकली पोप और उसके जो सर्कल है वो आते हैं. पोप, जोनाथन स्विफ्ट, यहाँ पे लिखा है देखो, जॉन आर्बथनॉट, पार्नेल. दे आर ऑल्सो लिटररी क्लब एंड दे आर कॉल्ड टोरी लीडर्स. तो कौन व्हिग है कौन टोरी है इसको याद रखना. ठीक है, मार्टिनियस क्रिबलर्स इज अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम हिज नेम दिस क्लब्स नेम हैज बीन कॉइंड टू अटैक द इंफीरियर राइटर्स, जिसको पोप ने बोला था हैक राइटर्स. ठीक है, उसको सेटराइज किया गया. टैलेंटलेस राइटर को हम बोलते हैं स्क्रिबलर. ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें इसमें. नेक्स्ट आते हैं राइमर्स क्लब, क्रिएटेड बाय डब्ल्यू बी एट्स. ठीक है, डब्ल्यू बी एट्स. इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वीमेन वर नॉट अलाउड. वीमेन का क्लब नहीं था, ओनली फॉर मेल मेंबर्स, जिसमें जीन रीज, डब्ल्यू बी एट्स, फ्रांसिस थॉम्सन, अर्नेस्ट डॉसन, दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर ऑल्सो नोन एज डेकाडेंट राइटर्स. ठीक है, पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में ये ग्रे आते हैं, वो भी इसके पार्ट थे. बस इसको जानना चाहिए और कुछ. लीग ऑफ अमेरिकन राइटर्स ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है लॉन्च्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसए. तो दिस इज अ ग्रुप विच इज नॉट मेड बाय राइटर्स,
sorry, which is made for the writers to give them financial support. ठीक है, मतलब जो काम पेट्रॉन करते थे इन ब्रिटिश इंग्लैंड, तो वही काम करने के लिए इन लोगों को रखा गया था, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट. एब्सोल्युटली वर्क फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, तो इसमें ये सारे राइटर्स आते हैं, लैंगस्टन ह्यू, अपटन सिंक्लेयर, कुछ नेम इंपॉर्टेंट है, डॉस पेसोस, कार्ल सैंडबर्ग, मैल्कम काउले, दे आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. अच्छा, और क्या क्या ग्रुप्स है? और एक ग्रुप है द अदर्स, ग्रुप का ही नाम है द अदर्स. It is a group of New York artists and writers. Others, a magazine of the New World. This is the name of a journal. ठीक है, इसमें आते हैं विलियम, कार्लोस विलियम्स, वालेस स्टीवेंस. बस ये दो नाम याद रखो, दो इंपॉर्टेंट नाम. अच्छा, नेक्स्ट मेटाफिजिकल पोएट्स, इसके बारे में तो बताना ही नहीं है, यू ऑल हैव रेड इट इन डिटेल. तो मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म किसने कॉइन किया था? बाय सैमुअल जॉनसन इन लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स. And the term metaphysics was coined by Dryden. Don't get confused of that. These are very basic question. कि term किसने coin किया था? तो ये तो आपको जरूर पता होगा कि metaphysical by Johnson and metaphysics by Dryden. किसने coin किया था? In discourse concerning satire. So metaphysical मतलब beyond physical. They are talking about some serious abstract idea, but presented in a very witty manner. जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी है, एल्यूशंस है फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, सॉरी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज, यूज ऑफ कॉन्सिटीज, दे आर फार फिचेड कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ब्लेंडिंग ऑफ थॉट एंड पैशन. ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, मैथ, सब कुछ इसमें आते थे. मेन मेंबर्स भी आप सबको पता है, जॉन डन, मार्वेल, हर्बर्ट काउली, क्रैशो, ऑल द फेमस मेटाफिजिकल पोएट्स. अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं, हाँ, ग्रेवयार्ड पोएट्स. ग्रेवयार्ड पोएट्स जिसमें पहला नाम आते हैं थॉमस ग्रे का, दे आर एक्चुअली द प्री रोमांटिक पोएट्स. तो दे फोकस्ड ऑन ग्रेवयार्ड बेस्ड पोएट्री, मतलब मेडिटेटिव पोएम्स, कॉन्टेम्पलेटिव पोएम्स ये लोग लिखते थे, जिसमें डेथ, मॉर्बिडिटी, दीज आर द मेजर थीम्स. एंड इसमें एक अर्लीस्ट वर्क है, नाइट पीस ऑन डेथ बाय थॉमस पांडल. अच्छा, नाइट थॉट किसने लिखा था? ये भी एक क्वेश्चन है नेट का, एडवर्ड यंग ने लिखा था, जिसमें ग्रे का एलिजी रिटिनरे कंट्री चर्चियर्ड आते हैं, विलियम कूपर का वर्क्स आते हैं. सो दे आर नोन एज ग्रेवयार्ड पोएट्स. नेक्स्ट आते हैं लेक पोएट्स. लेक पोएट्स तो आप सबको पता है, तीनों ही को बोलते हैं वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड रॉबर्ट सदी, बिकॉज दे लिव नियर द लेक डिस्ट्रिक्ट. एंड दिस पर्टिकुलर टर्म लेक डिस्ट्रिक्ट, इट वॉज अ डेरोगेटोरी टर्म coined by Francis Jeffrey while reviewing Biographia Literaria. ठीक है, तो recollections of the lake poets, ये एक essay लिखा था Thomas De Quincey. These are important information. अच्छा, next हम आते हैं Satanic School of Poetry. Satanic School of Poetry, ठीक है, ये term किसने coin किया था? Robert Southey in A Vision of Judgment. ठीक है, तो इसमें अनऑर्थोडॉक्स व्यूज को क्रिटिसाइज किया गया. अच्छा, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, ये भी एक डेरोगेटोरी टर्म है, फर्स्ट यूज्ड इन ब्लैकवुड मैगजीन. कॉकनी इज अ लोकल डायलेक्ट ऑफ ईस्ट लंडन स्पोकन बाय लोअर क्लास पीपल. सो द पोएट्स एंड द राइटर्स लाइक ले हंट, हैजलिट, कीट्स, दे रोट इन लो डायलेक्ट, तो इसलिए इन लोगों को क्रिटिसाइज किया गया एज कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स. और कुछ ग्रुप्स हैं, चलो देख लेते हैं. हाँ, नेक्स्ट हम जाते हैं फायरसाइड पोएट्स इज अ पोएट ऑफ अमेरिकन, इज अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन पोएट्स. इसको और दो नाम से हम जानते हैं, हाउस होल्ड पोएट्स और स्कूल रूम पोएट्स, बिकॉज देयर वर्क्स आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी कंफर्टेबल लैंडस्केप which you can also read comfortably sitting beside the fireplace. ठीक है, तो इसमें मतलब बहुत ही cozy, comfortable zone की बात हो रही है, not anything about hardships in life. And school room poets इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर school के syllabus में होता है and classroom में read करने के लिए होता है. इसमें आते हैं हमारा Longfellow, Lowell, William Cullen Bryant, and basically family entertainment के लिए इसको लिखा गया. नेक्स्ट में आते हैं लिटररी क्लब.
इट इज अ क्लब फाउंडेड बाय जॉनसन एंड जोशुआ रेनॉल्ड्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जॉनसन्स क्लब भी कहा जाता है, गोल्ड स्मिथ बर्क दे आर द मेन मेंबर्स। नेक्स्ट आते हैं सिल्वर पोएट्स। अच्छा सिल्वर पोएट्स याद रखना, जितने भी हमारे सोनेटियर्स है, एलिजाबेथन सोनेटियर्स, उसको बोला जाता है सिल्वर पोएट्स बिकॉज ऑफ देयर इलोक्वेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे थॉमस वाट, अर्ल ऑफ सरे, सिडनी, वाल्टर रैली, डेवीज, सब इस ग्रुप के पार्ट। नेक्स्ट आते हैं डाइमॉक पोएट्स। दे लिव्ड इन द विलेज डाइमॉक, और कुछ कारण नहीं है, इसको डाइमॉक पोएट्स में आते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एबरक्रॉम्बी, लैसिलस एबरक्रॉम्बी, एडवर्ड थॉमस, दे आर द मेन मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। ये भी एक बहुत फेमस ग्रुप है, यू ऑल नो ग्रुप ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज ऑफ 16th सेंचुरी प्लेराइट्स, दे स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हम अभी बात कर रहे थे जस्ट, तो कौन कौन मेंबर थे याद रखना, मार्लो, लिली, ग्रीन, पील, लॉज, नैश एंड कीट, बट कीट इज नॉट इंक्लूडेड टू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना कि विच ऑफ देम आर पार्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, विच ऑफ देम आर पार्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कभी कभी पूछ सकता है। तो जॉन लिली, जॉर्ज पील एंड थॉमस लॉज, दे आर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, एंड क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, दे आर फ्रॉम कैम्ब्रिज। इट इज नॉट एजुकेटेड। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंसबरी। हाय आर्या, गुड इवनिंग। अच्छा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर EMRS, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आर्या, थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। आई थिंक आर्या, यू आर अप्लाइंग फॉर PhD ना, आप एक बार बताए थे, तो आर यू करेंटली परसुइंग PhD और नॉट? ओके, तो इसमें क्या है, हीरोइक थीम्स बेस्ड ऑन हीरोइक कैरेक्टर्स, ये तो है ही, यूनिवर्सिटी विट्स में हीरोइक स्टाइल पे लिखा गया है, एंड इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन शेपिंग शेक्सपियर, है ना। तो लिली मेनली रोट कॉमेडीज। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा, द टर्म इज डिराइव फ्रॉम एन एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग ऑफ जॉन ब्रैटबी। ये है वो पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग पहले देख लो, दिस इज द पेंटिंग ऑफ किचन सिंक। ठीक है, तो ये पेंटिंग से बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ किचन सिंक ड्रामा, एंड एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ डेविड सिल्वेस्टर्स आर्टिकल द किचन सिंक। ठीक है, 1950s और 60s का ये मूवमेंट है, ठीक है, 1950s और 60s का मूवमेंट है, एसोसिएटेड विद एंग्री यंग मैन प्रोटैगनिस्ट, पोर्ट्रेट द लाइव्स ऑफ वर्किंग क्लास पीपल, पोर्ट्रेट द लाइव्स ऑफ वर्किंग क्लास पीपल। तो बेसिकली किचन सिंक रेफर्स टू मतलब आप कह सकते हो कि एकदम इनर पोर्शन ऑफ द फैमिली। ठीक है, किचन मतलब क्या, एकदम प्राइवेट पार्ट ऑफ फैमिली, है ना। तो और किचन सिंक किसके साथ एसोसिएटेड है, जितने भी मतलब लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड एंड ऑल द सोपी वाटर, सो किचन सिंक इज अ वेरी डर्टी एंड नेस्टी प्लेस, है ना। तो किचन सिंक ड्रामा पोर्ट्रेस दैट नेस्टी रियलिटी, हार्डकोर रियलिस्टिक स्टाइल। गुड इवनिंग परमेश्वर। हार्डकोर रियलिस्टिक स्टाइल जिसमें आपको बियर बॉटल्स, बाथरूम, सब चीज का मेंशन होता है, हार्श रियलिस्टिक स्टाइल इज दियर। This is the kitchen sink drawing. ठीक है, so that is for today's class. I hope I have covered all the important literary groups and movements. ठीक है, तो ये revision के लिए आपको जरूर काम आएगा, एक बार फिर से revision हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, so that is for today's class. Thank you all for joining. तो जैसे कल आपकी exam है तो कल हम class नहीं लेंगे, उसके बाद हम फिर मिलेंगे next week. ठीक है, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, एंड आप जरूर कल हमको बताना योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एग्जाम, हाउ वाज द पेपर। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दिस टाइम द पेपर इज ओनली इन वन शिफ्ट, है ना, एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, वो सबके लिए कॉमन होगा, ये बहुत अच्छा चीज है। जैसे
पहले क्या होता था कि एक शिफ्ट में बहुत डिफिकल्ट आ गया, एक शिफ्ट में इजी आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन का एक बात आ जाता था, बट दिस टाइम आई होप नो सच इश्यूज विल कम. एंड सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गिव योर एग्जाम. यस, हैप्पी लर्निंग. डेफिनेटली लर्निंग का तो कोई एंड नहीं है, तो आप पढ़ते रहो, सीखते रहो, नेट खत्म हो जाए, एग्जाम खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आपका बस लिटरेचर को ऐसे पढ़ो, 8 for 8 से, है ना, लिटरेचर फॉर एंटरटेनमेंट सेक आपको पढ़ना. तो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक, एंड कल जरूर हमको बताना कि आपका एग्जाम कैसा है. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय.